दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडजेट। कुछ कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है? 11th में ऑलरेडी अपन पढ़ चुके थे, तो ज्यादा अब सीधा क्वेश्चन करेंगे। बस प्रॉपर्टीज जो थी एक बार रिवीजन करवा दिया आपको। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के साथ फिर से सॉल्व करेंगे। मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू टाइम्स थ्री प्लस थ्री माइनस एक्स। सॉल्व करो इसको, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? आंसर आया? हाँ कितना आया बताओ? अब मैंने मेरे पास आंसर है तो बट हटा दिया मैंने। कितना आया? 4/3 और सिर्फ एक ही आया। एक्स इक्वल टू 4/3। चलो देख लेते हैं। देखो क्या करते हैं, मॉड एक्स की डेफिनेशन हमें पता थी ना। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या थी बता? x if x greater than equal to 0 minus x if x less than 0, है ना? यही था ना डेफिनेशन। अच्छा यहाँ पे यदि हम बात करें मॉड ऑफ x प्लस 2 की डेफिनेशन, ये क्या हो जाएगी? x प्लस 2 if x greater than equal to minus 2, जहां पे ये 0 हो रहा है, minus 2 पे 0 हो रहा है ये, एंड माइनस ऑफ x प्लस 2 If x less than minus 2, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? You need to make two cases, दो cases बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पे ये zero हो रहा है, तो वो point हो गया x equal to minus 2। तो यहाँ पे एक केस ये बना देते हैं, दूसरा केस इधर हो गया। पहला केस नंबर वन ले लेते हैं, केस वन जिसमें x less than minus 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। माइनस टू पे की बात करें तो ये कैसा दिखेगा? इस तरह से दिखेगा, और इसकी जगह हम लिख लेते हैं माइनस ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू टाइम्स थ्री माइनस एक्स, ये दिखेगा। और इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू एक्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू एट आ गया। तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x less than minus 2 होना चाहिए, so this is not a solution. अच्छा केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 क्या है? x greater than equal to minus 2, ये जो है ना x greater than equal to minus 2 के लिए केस बनाएंगे। और यदि x minus 2 से ज्यादा है तो उस समय ये कैसा दिखेगा? मॉड ऑफ x plus 2 की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस टू लिखा जा सकता है, मतलब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। x प्लस टू इज इक्वल टू टू टाइम्स थ्री माइनस एक्स, मतलब ये कितना हो जाएगा? देखो माइनस टू एक्स प्लस एक्स, थ्री एक्स इक्वल्स देखो सिक्स माइनस टू कितना? फोर, मतलब x इक्वल टू 4/3 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस तरह से देखो, क्या ये आंसर है? माइनस टू से तो बड़ा ही है, तो ये आंसर है, ओनली दिस इज द करेक्ट आंसर। बस क्लियर हो गए। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि डायरेक्ट इसको x प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस टू थ्री माइनस एक्स, तो ये भी कर सकते हो, लेकिन इसमें फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन की टेस्टिंग करनी पड़ेगी।
जो सॉल्यूशन आए उसको टेस्ट करना पड़ेगा। सो इसको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, है ना, हटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखो, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव। सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करेंगे ना? हाँ, ऐसे तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से मॉडुलस को कैच करो। दो केस आएंगे, दो केस बनाओ, बनाओ जल्दी से। याद करो आपने क्या किया था, एक ऐसा लाइन बनाई थी नंबर लाइन, और पहले वो पॉइंट प्लॉट किए थे जहां ये इंडिविजुअल जीरो हो रहे हैं, है ना, कहां कहां जीरो हो रहे हैं, एक्स इक्वल टू वन और यहां पे एक्स इक्वल टू थ्री, और यहां पे फिर तुमने केस बनाया था वन टू थ्री, है ना, ऐसे तीन केसेस। तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री केसेस बनाने पड़ेंगे। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहां पे मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, सॉल्व करने का तरीका भी लिख ही देता हूँ। बड़ी सी नंबर लाइन बना देता हूँ, लेट से क्या है? मिला आंसर, मिला क्या क्या मिला, देखो एक्स इक्वल टू वन बना देते हैं, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री, थोड़ा लेंथी केस। तो तीन पार्ट है, एक वन टू थ्री, ये तीन केस बना दिया। पहला केस नंबर वन क्या हो जाएगा, है ना, एक्स लेस देन वन ले लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, यहाँ पे चॉइस है कि लेस देन इक्वल टू लेना है या नहीं लेना, बट आपने क्या किया, लेस देन ले लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे केस कैसा बनेगा, केस टू जो है वो वन माइनस वन नहीं आएगा बच्चा, माइनस तो है नहीं ना, वन लेस देन और इक्वल टू, देखो यहाँ इक्वलिटी नहीं ली है तो फिर यहाँ पे इक्वलिटी लेनी पड़ेगी, एक्स लेस देन। अब यहाँ पे चॉइस फिर से बन गई है तुम्हारे पास, या तो आप चाहो तो इक्वलिटी ले लेते हैं, थ्री ले ले ऐसा, और फिर यदि यहाँ पे इक्वलिटी ले ली तो मतलब यहाँ पे केस क्या बनेगा, केस नंबर थ्री एक्स ग्रेटर देन थ्री आ जाएगा, है ना, ये सिचुएशन है। सो ऐसा अपन ने देखा था, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पर्टिकुलर यहां के लिए मैंने एक टेक्निक बताई थी कि वन से कम में कोई एक नंबर उठा लीजिए, वन से कम में एक नंबर उठा लीजिए, जैसे वन से कम कैसा, जीरो, बहुत आसान सा नंबर है, तो जीरो पे ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको ओपन करने के लिए सिर्फ माइनस लगा दीजिए, एक्स माइनस वन, यही टेक्निक थी। यहां पे जीरो पुट कर दीजिए, कितना आ रहा है, माइनस थ्री ना, माइनस थ्री आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी नेगेटिव है, तो माइनस लगा देते हैं, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फाइव। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, माइनस टू एक्स वन और प्लस थ्री फोर इज इक्वल टू वन, मतलब एक्स इक्वल टू कितना, माइनस वन बाई टू। क्या माइनस वन बाई टू इस रेंज में है, माइनस वन बाई टू इस रेंज में है,
बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, समझा। अच्छा यहाँ पे देखो वन और थ्री के बीच में एक आसान सा नंबर टू है, जैसे टू पे वैल्यू कितनी आ रही है, टू पे, ये देखो ये कैसा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, यही इक्वेशन कैसे दिखेगी, x माइनस वन और ये माइनस x माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव, ऐसा। तो अभी कितना हो गया, देखो x से x उड़ा देते हैं, ये x से x उड़ गया, तो कितना बचा, थ्री माइनस वन टू इज इक्वल टू फाइव। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू फाइव, मतलब इस रेंज में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा यहाँ पे x ग्रेटर देन थ्री है, तो सब पॉजिटिव है, यहाँ पे थ्री से बड़ा नंबर जैसे फोर ले लो, फोर पे ये पॉजिटिव, तो क्या लिखा जाएगा, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव, और ये हो गया टू एक्स इज इक्वल टू नाइन, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, नाइन बाई टू। तो बताओ क्या ये आंसर होगा x ग्रेटर देन थ्री के लिए, है ना, तो ये आंसर है, ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसके, बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चा, राइट ऑन, इसको हटा देता हूं, क्वेश्चन लिख दो, सॉल्व करो बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, और एक और, ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट वन, सेकंड सॉल्व करो, मॉड ऑफ टू एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स इक्वल टू फाइव, सॉल्व सॉल्व, सॉल्व करो इसको, जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, मिला क्या बच्चा, हंसता बच्चा आंसर, कितना मिला, अरे बता दो क्या मिला, चलो बताते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे हमने देखा था मॉड एक्स का होल स्क्वायर सेम एज एक्स स्क्वायर ना, मॉड एक्स का होल स्क्वायर सेम एज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सीधा मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, मॉड एक्स माइनस टू, मॉड एक्स प्लस वन, बात सही है, देखो ध्यान से, इसके ये दो फैक्टर आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ क्या ये जीरो होगा कभी, कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, व्हाई डज सो, हमें पता है कि मॉड एक्स कैसा है, जीरो या उससे बड़ा होता है,
वी नो दैट मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वन प्लस मॉड एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन ना, तो कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता, इट कैन नेवर एवर बी जीरो, नहीं हो सकता. सो यहाँ पे कुछ भी सोल्यूशन, मतलब दिस हैज टू बी इक्वल टू जीरो. मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, मतलब मॉड एक्स इक्वल टू टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, x इक्वल टू प्लस माइनस टू, ये सॉल्यूशन हो जाएगा और ये यही आंसर आएगा. अच्छा, इसको भी तुम यदि जीरो करके देखोगे ना, कि मॉड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस वन, ऐसे है. हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. सेकेंड सॉल्व करो, यही दो आंसर आ जाएंगे. सेकंड का भी यही आंसर है, ऐसा कुछ. अच्छा, सेकंड का आंसर सेम आ रहा है क्या, प्लस माइनस टू? हाँ, कितना है? मैंने देखा नहीं ना, आंसर नहीं है, हटा देते, हटा देते इसको. कितना है बताओ सॉल्यूशन? सिक्स एंड फोर बाई थ्री. दो केस, दो बनेंगे, तीन बनेंगे इसमें केस, तीन बनेंगे. कौन कौन सा नंबर है? एक तो जीरो वाला केस होगा, इधर का कितना, वन बाई टू पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस. एक्स लेस देन जीरो वाला बना देते, इक्वल टू जीरो. यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो हो गया, लेस देन इक्वल टू हाफ, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू आ जाएगा. ये तीन सिचुएशन बना दिए अपन ने. अच्छा, एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो की बात करें तो ये कैसा होगा? नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव के लिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे माइनस वन ले लिया, तो माइनस वन पे ये कैसा आएगा? नेगेटिव. ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो कैसा दिखेगा? ये कैसे ओपन होगी? माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस फाइव, सही है. और ये मिला माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू फाइव, मतलब फोर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री. हाँ, ये बिल्कुल सही आ रहा है. अच्छा, इस रेंज में बता दो, यहाँ पे वन बाई फोर लेना पड़ेगा, वन बाई फोर पे ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव. ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव. सो लिखा जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स इक्वल टू फाइव, और माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर हो गया, माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस फोर. क्या ये सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, इस रेंज में है. नेक्स्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, तो देख लो ध्यान से, हाफ से बड़ा एक वन ले लेते हैं, वन पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो मतलब ये कैसा, टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइव, थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स, एक्स इक्वल टू टू, यही आंसर है. टू आंसर हो जाएगा, जो कि इस रेंज में ये आता है. दोनों आंसर सही है, समझ आ गया बाय द वे बच्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व द इक्वेशन, इस तरह की जो इक्वेशन है सॉल्व करो इसको. एक और आसान सा क्वेश्चन उठा लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री मॉड एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, सॉल्व करो. हाँ, सॉल्व दिस इक्वेशन. हाँ, कर दो कर दो कर दो. सॉल्व करो. Thank you.
अभी बंद कर दे, रिकॉर्डिंग चल रही है, कर लेते हैं वरना वो आवाज आती रहेगी। हाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं ही सुनने को मुझे अच्छा नहीं लगे। सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो। अब ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दो केस बनाओ। केस वन, केस वन कौन सा बनेगा बताओ? एक्स लेस देन टू ना, जहां पे ये जीरो हो रहा है लेस देन टू बना लेते हैं, है ना। और यहां पे केस नंबर टू क्या हो गया? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, है ना। ये सिचुएशन है। दो केस बनाओ, दोनों को सॉल्व करो। दोनों केस में x लेस देन टू में क्या होगा? ये इक्वेशन कैसे देखेगी? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस, देखो लेस देन टू में जैसे वन रख रहे हैं, वन पे तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा? माइनस आएगा ना। माइनस ऑफ x माइनस टू की बात करें, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। कितना मिला? हाँ चलो बताते हैं। अच्छा ये देखो, यहां पे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू इज प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। सही है अच्छा बच्चा। देखो यहां पे कितना आया? नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स इज माइनस एक्स, और माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो हो गया। माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो हो गया। एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू 0,1 आ रही है। अच्छा 0 और 1 दोनों ही इसमें बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखो ध्यान से, है ना। अच्छा केस नंबर 2 में देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में ये कैसा होगा? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो अभी फैक्टराइज कर दीजिए, क्या क्या मिलेगा इसका फैक्टर? एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री कॉमा फोर। क्या ये दोनों ही सोल्यूशन हो जाएंगे? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो दोनों ही सोल्यूशन हो जाएंगे। बूथ आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये भी है और ये भी है। बस समझ आई। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन मॉडुलस इनइक्वालिटी। थोड़ा मॉडुलस इनइक्वालिटी पे बात करते हैं, अरे बहुत सारे हैं। राइट डाउन मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी मॉडुलस इनइक्वालिटी इज क्या? मॉडुलस इनइक्वालिटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया हमने। नेक्स्ट सेकेंड कॉन्सेप्ट लिखो, यदि कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि मॉड एक्स कुछ कहे ग्रेटर देन वन है, मॉड एक्स ग्रेटर देन वन कहे, कोई कहे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन वन है, तो इसका क्या मतलब है? अपन ने क्या देखा था, मॉड में पढ़ा था, जैसे जीरो है और यहाँ पे कोई एक्स है, क्या है? एक्स है। तो यहां से ये जो लेंथ है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मॉड एक्स होता था,
एक्स का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मॉड एक्स था, या यू कहें कि एक नंबर है टू है और यहां पे एक्स है, तो एक्स का टू से जो डिस्टेंस है ये है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। एक्स यदि इधर हो गया, मान लिया इधर कहीं हो गया, या वाई कहीं यहां पे हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वाई माइनस टू बेसिकली। तो यदि हम बात करें कि मॉड एक्स ग्रेटर देन वन है तो इसका क्या मतलब होगा कि ऐसा एक्स बताओ जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस वन से बड़ा हो, तो ओरिजिन पे है, ऐसे एक्स जिसका डिस्टेंस मान लिया एक्स ये, तो ये मॉड एक्स क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस वन से बड़ा होगा तो एक्स कहां से स्टार्ट होगा, लेट्स से ये वन है और इधर क्या हो गया माइनस वन है, तो एक्स यदि यहां पे है तो वन से कम ही है डिस्टेंस, वन पे यदि होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स यदि वन पे होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी वन, मतलब हमें मॉड एक्स ग्रेटर देन वन चाहिए तो क्या कहां से स्टार्ट होगा वन के आगे इधर, मतलब एक्स वन के आगे होगा तभी उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा वन से ज्यादा होगा। इन द सेम वे यदि माइनस वन के इधर होगा, माइनस वन के इधर होगा तो भी डिस्टेंस कैसा होगा वन से ज्यादा होगा। तो मतलब यदि हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनाइट, बात समझ आए। अच्छा यहां पे इक्वालिटी होता तो यहां पे इक्वालिटी बनती, अब यहां पे इनइक्वालिटी है तो ऐसे लगाना, जैसे यदि ये होता तो फिर हम क्या लगाते हैं यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, इस तरह की सिचुएशन इक्वालिटी, बात समझ आए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो इन जनरल ये क्लियर, इसको हटा देता हूं, सेकेंड इनइक्वालिटी, तो पहला कंसेप्ट अपन ने देख लिया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है या टू है तो सिंपल सी बात है, किसी ने कहा कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस थ्री यूनियन थ्री से इनफिनाइट हो जाएगा। अच्छा अब किसी ने कहा कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अब बताओ तो आप फिर से वही बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस जीरो यूनियन जीरो से इनफिनाइट, माइनस जीरो कुछ नहीं होता है, जीरो ही तो होता है, तो बेसिकली ये क्या बन गया यही ना, और ये क्या है ऑल रियल नंबर, तो ये तो ऑलरेडी डेफिनेशन ही बता दिया था कि मॉड एक्स जैसा कैसा होता है, जीरो या उससे बड़ा होता है हमेशा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए। अच्छा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बात करें तो अब बताइए, हाँ क्या लिखें, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस ऑफ माइनस थ्री है ना यूनियन माइनस थ्री से इनफिनाइट, और ये गलत हो गया, या मतलब इसको देखोगे तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा, मतलब ऐसा बोल सकते हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से थ्री तो यूनियन माइनस थ्री से इनफिनाइट, और यदि इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा, यूनियन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बताओ ध्यान से, क्या ऑल रियल आ जाएगा, ऑल रियल ही है, देखो माइनस इनफिनाइट से थ्री माइनस थ्री से इनफिनाइट, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, सिंपल सी बात है, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, इतना क्यों करेंगे हम, सिंपल सी बात है कि मॉड एक्स हमेशा जीरो या उससे बड़ा है, और ये कैसा नंबर है नेगेटिव नंबर, तो हम क्या बोलेंगे दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, हम ये चीज अप्लाई यहां पर नहीं करते, व्हेनेवर वी हैव मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर तो दिस इज ट्रू ऑलवेज लिख देते हैं, बात समझ आई क्लियर। तो यदि हम ऐसा बोले, हटा दें इसको, यदि हम ऐसा बोलें कि मॉड एक्स जैसे ग्रेटर देन
थ्री है या ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, तो आपने बोला था कि सर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस थ्री, यूनियन थ्री से इनफिनाइट, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे। इन द सेम वे इसकी जगह कोई फंक्शन होता, कुछ एफ एक्स हो जाता, तो अब क्या बोलते हैं ये एक्स की जगह क्या हो जाता है यहां पर, इसका मतलब है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस थ्री, यूनियन थ्री से इनफिनाइट, ऐसे हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई कहता है कि टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, ऐसा कुछ है ना, तो अभी क्या करते हैं इसको, हाँ मतलब इसको आगे सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं टू एक्स माइनस थ्री बिलोंग्स टू कहां से कहां था, माइनस इनफिनाइट से माइनस फोर, यूनियन फोर से इनफिनाइट, यही लिखते यही लिखा जाएगा। थ्री ऐड कर दो सब में, तो टू एक्स बिलोंग्स टू थ्री ऐड करो तो कितना, माइनस इनफिनाइट से माइनस वन, यूनियन सेवन से इनफिनाइट, सेवन से इनफिनाइट, और टू से डिवाइड कर देते तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस वन बाई टू, यूनियन सेवन बाई टू से इनफिनाइट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को। सो इन जनरल यदि हमें जनरल इसकी प्रॉपर्टी लिखवानी है, हाँ लिख जल्दी से नोट करो फटाफट, तुम ही नोट कर ही ले, हाँ ले चुका हूं। हटा दें इसको। सो यदि मैं बात करूं, जनरल बात करूं, है ना, जनरल बात कैसे करते हैं देखते हैं कि लेट ऐसे ले लेते हैं, राइट डाउन ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी है क्या है, पहला लेट के ग्रेटर देन जीरो, के कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, एन ऐसा लिखा है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन के है, इसका क्या मतलब है, क्या लिखेंगे बता, मॉड एक्स ग्रेटर देन के है तो लिखा जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस के, यूनियन के टू इनफिनाइट, इक्वालिटी नहीं है ना, इक्वालिटी होता तो स्क्वायर लगता। और जैसे मॉड एफ एक्स आ गया, मान लिया मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, एफ एक्स की जगह कोई फंक्शन आ गया तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से माइनस के। अब देखो यहां इक्वालिटी है तो यहां पे क्या होगा, क्लोज यूनियन के से इनफिनाइट, बात सही है, ये क्लियर है। अच्छा यदि कोई कहे कि मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रू ऑलवेज ना, ट्रू ऑलवेज, क्यों ऑलवेज ट्रू है, क्यों ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि ये मॉड है ना, मॉड जीरो या उससे बड़ा होता है, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल, ऐसा बोलेंगे क्या, और जैसे ही बोले तो ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है, बल्कि आपको क्या लिखना चाहिए, दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, डी एफ लिखो, अरे जिन एक्स के लिए डिफाइन होगा उन्हीं के लिए तो ये ट्रू हो जाए होगा, जिन एक्स के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा उन्हीं एक्स के लिए ये ट्रू होगा, यदि ऑल रियल के लिए डिफाइन है तो ऑल रियल आंसर आ जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहां पे, जब ऐसी सिचुएशन है तो हम ये नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, बस समझ आई ग्रेटर देन की बात, थोड़ा इक्वल लेस देन के बारे में बात करते हैं।
लेस देन वाली इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि मॉड एक्स लेस देन फाइव है, जैसे मॉड एक्स लेस देन फाइव सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। सॉल्व दिस, क्या बोला जा रहा है? यदि हम डिस्टेंस मेथड देखें तो बोला जा रहा है कि ऐसा x बताओ जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 5 से कम हो। तो 5 यदि होता तो यहाँ 5 डिस्टेंस कितनी होती, 5, और यहाँ पे -5 होता तो -5 की ओरिजिन से डिस्टेंस 5 होती दोनों का। तो ये यहाँ पे x यदि देखें तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज मॉड x, क्या ये लेस देन 5 है? दिख ही रहा है। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? इसका मतलब है कि x वेरी कर सकता है -5 से लेके 5 तक। 5 पे भी क्लोज नहीं आएगा, 5 हो गया तो क्या हो जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी, और इक्वालिटी यहाँ पे हमें चाहिए नहीं। तो यदि ऐसी सिचुएशन तो हम क्या बोलेंगे, जैसे x belongs to -5 to 5, क्लियर पहला। अच्छा दूसरा सिचुएशन यदि ऐसा होता कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 7 है, लेट से ये सिचुएशन है, तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब x बिलोंग करता है कहां से कहां तक, -7 से लेके 7 तक, बात समझा? जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन होता 2x -5 less than equal to 4 है, 2x -5 less than equal to 4, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई 2x-5 बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -4 से 4 तक। अभी 5 ऐड कर दीजिए सब जगह, हाँ मतलब अभी ऐड कर देते ना डायरेक्ट, हाँ तो 2x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 5 ऐड कर दो सब में, तो यहाँ 5 ऐड करेंगे तो 1, यहाँ पे 9, x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 1/2 से 9/2 तक। कोई डाउट इन जनरल लिख सकते हैं क्या कुछ? देखो क्या केस है, जनरल लिख लेते हैं थोड़ा, लिखो इफ के ग्रेटर देन 0, के हम पॉजिटिव ले लेते हैं ठीक है, और लिखा जा रहा है कि मॉड एक्स लेस देन के है, के कोई पॉजिटिव नंबर है लेस देन के, तो हम क्या बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस के से लेके के तक, बात सही है, माइनस के से लेके के तक पहला। दूसरा केस है कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के है, तो हम क्या लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस के से लेके के तक, ठीक है। अच्छा के यदि नेगेटिव नंबर हुआ तो क्या करेंगे, इसको हटा दें, माइनस लेके बाहर निकले, मान लिया इसको सॉल्व करो, जैसे मॉड एक्स लेस देन माइनस फाइव, मॉड एक्स लेस देन माइनस फाइव, सॉल्व इट, लेस देन माइनस फाइव, हाँ माइनस इनफिनिटी से माइनस फाइव, अच्छा मॉड एक्स लेस देन माइनस फाइव सही आंसर है, क्या बोल रहे हाँ ये तो गलत हो गया, मान लो x की वैल्यू -6 ले लें तो 6 लेस देन माइनस फाइव, क्या ट्रू है, -6 का मॉड कितना होता है 6 ना, तो ये तो क्या हो गया गलत ही हो गया, बात समझे नहीं समझे, क्या मॉड कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है, अरे मॉड एक्स तो हमेशा 0 है उससे बड़ा होगा, तो -5 से कभी हो सकता, नॉट पॉसिबल ना, हम क्या बोलेंगे कि मॉड एक्स लेस देन माइनस है, तो क्या बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5, और हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। तो यदि कोई ऐसा है कि मॉड
x less than minus k है, k अपन पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि x belongs to 5. या कुछ fx less than minus k है, तो हम क्या बोलेंगे, x belongs to 5. No solution. बात समझ आई, क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन अभी मैं दोनों को मर्ज कर देता हूं. दोनों को मर्ज करने का मतलब है इसको सॉल्व करो. सॉल्व मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 3. सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको. देखो ध्यान से, अपन क्या करेंगे, वही डिस्टेंस मेथड लगाएंगे. डिस्टेंस मेथड लगा लेते हैं. हाँ, चाहे जैसे यहां पे ओरिजिन बना देते हैं, एक 3 चाहिए और इधर 5 हो गया, ऐसे ही 3 डिस्टेंस, माइनस 3 इधर और माइनस 5 उधर, चलेगा? ऐसे x चाहिए जिसका डिस्टेंस कैसा हो, मॉड x ग्रेटर देन 3, मतलब ऐसे x चाहिए जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 से ज्यादा हो. और कितना हो, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है, 5 या उससे कम हो. तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, यहां से लेके यहां तक, क्या ये बात समझ है? 5 पे क्लोज आ जाएगा, 3 पे ओपन, क्योंकि 3 की डिस्टेंस कितनी ओरिजिन से, 3 यूनिट, 3 से ज्यादा होना है डिस्टेंस, तो मतलब 3 से आगे 5 से कम या 5 के इक्वल. इन द सेम वे यहां पे क्या होगा, माइनस 3 से ज्यादा होगा और माइनस 5 या उससे कम हो जाएगा. ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, माय सॉरी, ये तो आंसर क्या मिलेगा इसका, दिस इंप्लाई x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक. अब सॉल्यूशन लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट में लिखते हैं, छोटे से बड़ा सॉल्यूशन लिखा जाता है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस 5 से माइनस 3. माइनस 3 पे कैसा होगा, ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 से 5 तक, 5 पे क्लोज. बात समझ आई है ना? अच्छा, इसको सॉल्व करो. सॉल्व अनदर इनइक्वालिटी, माइनस 5 लेस देन मॉड ऑफ 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 3. सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, माइनस 5 लेस देन मॉड 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 3. लिख ले, लिख ले. यही तो था, मैं भी भूल गया, इस बोर्ड से हटते ही खत्म. कर ले बच्चा सॉल्व जल्दी से, फटाफट डू फास्ट. हो गया, क्या लिखेंगे बताओ?
अच्छा इसको सॉल्व करें, मतलब हाँ मतलब इधर देखो ये दो इनइक्वालिटी है, एक ये है और एक ये, इसको दो पार्ट में यदि हम देखें तो पहला इनइक्वालिटी क्या है, मॉड टू एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन माइनस फाइव, ऐसा तो क्या ये हमेशा ट्रू रहेगी, ट्रू ऑलवेज, क्यों ट्रू रहेगी ऑलवेज, क्योंकि ये मॉड नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता है, तो मतलब अब इसमें डोमेन देखें इसकी, तो डोमेन क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल, इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो ऑल रियल है, तो दिस इज ट्रू ऑलवेज, मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल आ जाएगा, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो आएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल। अच्छा सेकेंड की बात करें तो मॉड ऑफ टू एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू थ्री की बात करें तो अपन क्या करेंगे, 2x माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, यही होता है ना, बिलोंग्स टू ऐसे लिखा या फिर ऐसे लिखा, 2x माइनस फाइव बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू थ्री, बात तो बराबर ही है ना, दोनों ही सिचुएशन सेम है, तो ऐसे लिख दिया। अभी क्या करें, फाइव ऐड कर दे सब जगह, फाइव ऐड करते हैं तो इधर टू लेस देन इक्वल टू टू एक्स लेस देन इक्वल टू एट, तो वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, तो यहां पर यह सोल्यूशन आ गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, देखो पहला लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये है, राइट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये है, तो फाइनल आंसर क्या होगा इन दोनों का, ऊपर ऊपर वाले में तो नीचे वाले भी आ रहेगा, हां ऊपर वाला ही क्यों नहीं होगा, वेरी गुड, कई बार ये रियल नंबर नहीं आता है कुछ पर्टिकुलर पार्ट है, हाँ लेकिन इस क्वेश्चन में आ गया है तो भी हम देखेंगे ना, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस सिर्फ इसका ही सॉल्यूशन आ रहा है, बस इसका नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या है ये, तो हमें ऐसे एक्स चाहिए, हमें ऐसे एक्स चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको भी और इसको, हाँ हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली जो कॉमन है वही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, आर नहीं होगा ये आंसर, सॉल्यूशन आर नहीं होगा ये आंसर आया है ना, ये होगा कि उसने ये नंबर में एडजस्ट कर रहा है, वही बोल रहा है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, बाय द वे हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करना है ना, मतलब पहला सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन दोनों का इंटरसेक्शन करना, इंटरसेक्शन करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू यही आंसर आ जाएगा वन से लेके फोर तक, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, सॉल्व करो अनदर क्वेश्चन, राइट डाउन, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे आप, ऐसा ही क्या, नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, इनफिनाइट सॉल्यूशन विल बी देयर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू का जो मॉड है ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, लिख ले लिख सॉल्व कर, अरे गैस नहीं करना भाई, मेरे बहुत इनफिनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, एग्जैक्ट ऐसे थोड़ी ना आता है, जेई मेन में फोर और फाइव कर दे, Thank you.
थोड़ा टाइम लगेगा इस। खुद नहीं पता। रूट में आएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था बताओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला था, पंडित श्रीधर आचार्य, पंडित जी के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है। हाँ और क्या, इतना टाइम लगेगा, स्पीड अप, स्पीड में आंसर आना चाहिए बच्चा। हाँ तो गलत जवाब दे रहे थे, गलत जवाब देने से अच्छा है कि जवाब ही मत दो। ओके चलो पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इसका जो मेन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है ना, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इनफिनिट से माइनस फोर, यूनियन फोर से इनफिनिट, ठीक है। अब देखो इसको वैसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, कैसे, जैसे हम ऐड कर देते तो वहां जब लीनियर इनइक्वालिटी थी, लीनियर इनइक्वालिटी थी वहां आसान था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गई है तो यहाँ पे थोड़ा इसको ना दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। कौन सा, केस वन, केस वन कौन सा, देखो ये लेस देन इक्वल टू माइनस फोर कर देते, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू माइनस फोर। अच्छा बीच में देखो ये क्या है, बीच में क्या लगा हुआ है, यूनियन, तो इस यूनियन का अपन ध्यान रखेंगे, यूनियन क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन आएगा उसमें भी क्या मिल जाएगा, यूनियन लेना पड़ेगा। नाउ केस नंबर टू, केस नंबर टू कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, बात सही, ये दो केस अपन को सॉल्व करना है। पहला सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, अच्छा इसके रूट क्या क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये एक्स प्लस वन का क्या ऐसा ट्रू होगा क्या, ये अच्छा ये इसको इधर ले आए ना, इसका दल है सिक्स, सिक्स को लिख दिया वन प्लस फाइव, हाँ वन प्लस फाइव क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये कितना एक्स माइनस वन का, एक्स माइनस वन का होल इसका प्लस फाइव, ठीक है, ऐसा क्यों कर लिया बताओ, सोच के बता। हाँ यही तो, देखो देखो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू जीरो है, तो इसका क्या मतलब होता था, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो ना, यहाँ पे भी तो वैसी सिचुएशन बन रही है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो है, तो मॉड ब्रेक हो चुका, आपको मॉड कंडीशन में है ही नहीं, तो आप कैसे कर क्या बोल रहे हैं, मॉड अगर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स के पावर, अच्छा क्यों, ओके ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी तो बेस फंडामेंटल तो यही है,
ये देखो ना ध्यान से, किसी का स्क्वायर कभी भी जीरो या उससे छोटा हो सकता है क्या? जीरो से छोटा हो सकता है क्या? वो वहां पे वो कैंसिलेशन है, वहां कैंसिलेशन है, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, एड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अरे सिक्स को वन प्लस फाइव लिख दिया, क्या दिक्कत है? हाँ वो वेरी गुड, टू प्लस फोर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ वन लिखने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये वन प्लस फाइव लिखा, टू प्लस फोर हाँ कर सकते हैं, सिक्स ही तो लिखना है हमें, सिक्स को कैसे लिख रहे वो हमारे ऊपर है। नहीं ऐसा क्या, किसने कह दिया? मैं तो कांस्टेंट को नहीं नहीं ऐसा, तो सिक्स को लिख सकते हैं वन प्लस फाइव, वन प्लस फाइव, और ये क्या है इसका स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली यही कैसा है, जीरो या उससे बड़ा है, वन रखेंगे तो जीरो हो गया, उससे बड़ा होगा प्लस फाइव, तो ये कैसा नंबर होगा, हमेशा कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव। तो क्या ये ट्रू है, कभी इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा? नहीं होगा, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। बात समझे? नहीं हाँ वैसे वैसे फिर जब इसके रूट निकालते ना इस मेथड से तो इमेजिनरी रूट आते हैं। हाँ हाँ आपको ये करने की जरूरत पड़ी, यानी फैक्टर नहीं मिल रहा तो वही सवाल ये चाहिए थे कि फैक्टर नहीं मिलने हैं तो आई आंसर आएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत लॉजिक है, फैक्टर नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब है कि जब इसका डी नेगेटिव, जैसे क्वाड्रेटिक में तुमने पढ़ा नहीं है, क्वाड्रेटिक में यदि इसका डी नेगेटिव आता तो रूट कैसे मिलते, इमेजिनरी, इमेजिनरी मिलते। इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे वो बनते ही नहीं, बनते नहीं तो फिर रियल नंबर लाइन पे नहीं बनते, तो फिर वहां पे सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स में थोड़ा थोड़ा भी यदि स्टेटमेंट चेंज होता है ना तो सब सॉल्यूशन ही बदल जाता है यहाँ। हाँ तो सिक्स को हम वन प्लस फाइव लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव, और ये हमेशा कैसे है, पॉजिटिव है, तो जीरो या उससे कम तो नहीं हो, जीरो से कम तो नहीं हो सकता, ये कैसे नंबर है, फाइव या उससे बड़ा है। एक वैल्यू जैसे लिखी है 91 और एक साइड लिखा है 100 माइनस एक्स। हाँ 100 माइनस, हाँ नहीं इक्वालिटी या इनइक्वालिटी कुछ लगा देते हैं, इक्वल लगा दें। हाँ चलो ठीक, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल सर, 91 प्लस 9 माइनस, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, कट कट बिल्कुल लिख सकते, क्या दिक्कत। आंसर कैंसिलेशन में कांस्टेंट का कैंसिलेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैंसिलेशन इस तरह से हो जाता है। इसको हटा दे बच्चा, अभी सेकंड वाला इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे होगा, सेकंड जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस कैसा सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे यार अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू यही इनइक्वालिटी थी, कैसे था? हाँ अच्छा, हाँ वही तो, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे कितना है माइनस टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा सिचुएशन है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस वन माइनस वन लिख। अब देखो यहाँ पे ऐसा कर लिया चलेगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं तो तुम शुरू में ही कर सकते थे, एक काम और कर सकते थे, चलो ये नहीं करना है, आप ऐसे कर सकते एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू इसको उधर, और दोनों तरफ प्लस वन ऐड कर दीजिए, तो भी यही सिचुएशन बनते। इसमें तो आपको बाय स्प्लिटिंग में मेडल
काट क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट किया ही नहीं, मिडिल टर्म कहाँ से, सिर्फ कांस्टेंट पे ही अपन ने वर्क किया है। कांस्टेंट पे वर्क इसलिए किया क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर, हमें ये दिख गया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए हम कांस्टेंट के साथ खेल गए, बस समझे। यदि ऐसा नहीं करते, यदि ऐसा नहीं करते, इसको तो मैं हटाई देता हूँ, यदि ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ता है, सीधा पंडित श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ता है, मतलब ये वाला लगाना पड़ता है, ये इससे अभी मैं बच रहा हूँ बेसिकली, बात समझा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहां से ये इतना चलेगा है ना, ये स्क्वायर हटाना है, तो मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट थ्री, ऐसा सिचुएशन है, बात सही है। स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटेगा तो मॉड आएगा यहाँ पे अंडर रूट, तो यहाँ पे अब ये क्या कह रहे हैं, नहीं वन से ऐसे एक्स जिसकी वन से डिस्टेंस रूट थ्री हो, ऐसे एक्स कौन सा हो बताओ, हाँ वन प्लस रूट थ्री यहाँ पे, और वन के इधर भी तो होगा रूट थ्री डिस्टेंस, वन माइनस रूट थ्री, ऐसे एक्स जिनका वन से डिस्टेंस रूट थ्री या उससे ज्यादा हो, क्या बोला जा रही है, ऐसे एक्स जिसकी वन से डिस्टेंस रूट थ्री या उससे ज्यादा हो, तो कहां से कहां तक जाएगा, एक्स यहां के आगे जाएगा तो यहां से आगे जाएगा, मतलब एक्स बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, माइनस इनफिनिट से वन माइनस रूट थ्री, यहां पे क्लोज यूनियन वन प्लस रूट थ्री से इनफिनिट। तो यहां तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था, ये सॉल्यूशन और बीच में इन दोनों का क्या करना था, यूनियन लेना था, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा ना, सो दिस इज द आंसर। चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।